अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए टीवी 30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस मौके पे मैं अपनी पार्टी की तरफ से सभी की तरफ से एक पैगाम देना चाहता हूँ। लोगों के भाईचारे के साथ भाई एक दूसरे के गले मिलकर आज ईद को मुबारकबाद दे और अल्लाह ताला उनको नेक नियति से इस ईद के त्यौहार पे और बरकत दे, यही है। किस तरह की शुभकामनाएं हैं भैया? आज का दिन बकरीद का दिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और बलिदान का और कुर्बानी का दिन है। यह आज का दिन वो जज्बा पैदा करता है कि दूसरों के लिए आप अपने खुदा के लिए या अपने साथियों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने हुकूमत के लिए आप दुआएं करें और जो कुछ भी कुर्बानी उसके लिए कर सकें वो करें। हम भी कर रहे हैं कि इस मुल्क की बेहतरी के लिए और उसके लिए जो कुछ भी ज़रूरत पड़े हमेशा से करते चले आए और करते चले आएंगे। लोग आजकल के लोग उसे माने या ना माने हम तो करते चले आएंगे। मेरी यही दुआ है कि आने वाला साल ये लेके आए हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जो ध्वस्त हो चुकी है वो बेहतर हो, हिंदुस्तान की जो कानून व्यवस्था है जो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है वो बेहतर हो और हुकूमत करने वालों को खुदा अकल दे, तमीज दे, समझ दे कि बात को समझे और हिंदुस्तान को बरकरार रखें और इसका जो परंपरा है जो इसकी संस्कृति है उस संस्कृति को कायम रखें क्योंकि इसी में हिंदुस्तान की भलाई है। एक बार फिर मैं सबको खास तौर से मुसलमानों को ईद के मौके पर बधाई देता हूँ और ये फिर जैसे मैंने कहा कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, आज का दिन वो दोहराया जाता है, बलिदान का, कुर्बानी का दिन, सैक्रिफाइस का, उसे याद है। नगर वासियों को नगर निगम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। नगर निगम आपसे अपील करता है कि नगर निगम कुर्बानी के अवशेषों को इकट्ठा करने के लिए गाड़ियों की और निर्धारित स्थलों की व्यवस्था किया है। आप सबसे अनुरोध है कि नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थलों और गाड़ियों में ही अवशेष को रखें। आपकी बकरीद पुनः बहुत बहुत शुभ हो। नगर निगम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी हमारे मुस्लिम भाई बहुत अच्छी हुई है। अपना त्यौहार चलेगा और पीछे से मनाएं, बिल्कुल खुशी के साथ मनाएं। शासन पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। मेरी सबको बहुत शुभकामनाएं।